हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। और उम्मीद है दोस्तों कि जिस तरीके से आप जीके करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपके काफी इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। और आज भी आपको पता है, आज है मंडे, तो सैटरडे आपके लिए संडे और मंडे दो दिन का न्यूज़पेपर है जो कि कवर किया गया है। काफी ऐसी न्यूज है जो कि आज अपन कवर करेंगे, काफी कुछ अपन नया जानेंगे जो कि पिछले दो दिन के अंदर हुआ है। चलिए, उम्मीद है कि हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उनके आपने आंसर करे होंगे और उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से उनके सही आंसर है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन था टैगलाइन, पहला क्वेश्चन था आपका कलर ऑफ 100 रुपी नोट। 100 रुपए के नोट का जो कलर है वो आपको बताना था। मैंने जितने भी आपके नोट होते हैं सभी के मैंने आपको कलर डिफाइन करे थे, बताए थे, और सबके मैंने ट्रिक भी बताया था किस तरीके से किसका क्या याद करना है, किसके ऊपर कौन सा डिजाइन बना हुआ है, याद है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ए का, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लैवेंडर, लैवेंडर कलर होता है 100 रुपए के नोट के ऊपर, तो आंसर ए होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं, आभार आपकी सेवा का जो नाम का जो ऐप है वो कौन से सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तो आभार आपकी सेवा का नाम करें तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि कौन सी आईटी कंपनी ने एमओयू साइन किया है बैंगलोर मेट्रो के साथ में। तो बैंगलोर मेट्रो के साथ में एमओयू साइन करने वाली कौन सी कंपनी है, इंफोसिस है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा यहां पर। अगला सवाल था आपका कि एडीपी ने भारत की 2018 की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट करी थी, कितनी प्रस्तावित विकास दर करी थी, तो 7.3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है टैगलाइन ऑफ जीएनके, तो टैगलाइन की बात करें जीएनके बैंक की, तो यहां पे क्या होगा, सर्विंग टू एम्पावर, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल था कि कौन जो है वो कोलेजियम का मेंबर नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन नहीं होता है। देखिए, यहां पे जो सीजीआई है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस दोनों ही है कोलेजियम के मेंबर होते हैं, तो अगर आपके लिए इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ आता है, प्रेसिडेंट लिखा हुआ आता है, वीपी लिखा हुआ आता है, तो आप इसको आंसर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए वैसे तो, कि दोनों ही मेंबर होते हैं वैसे तो, ठीक है। चलिए, साथ में इंडो यूएस 2+2 टॉक जो है उसकी कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, भारत के अंदर ही ये प्रस्तावित है, तो क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डिफेंस मिनिस्टर और साथ में जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके बीच में होगी दोनों देशों के। अगला सवाल है आपका, रवादा की कैपिटल क्या है, तो रवादा की जो कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे क्या, की गाली उसकी कैपिटल है, कंबाला तो युगांडा की है, नैरोबी केन्या की है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, 2000 रुपए के डिनोमिनेशन में किसका डिजाइन बना हुआ है, तो मैंने आपको लास्ट में SRM बताया था, ठीक है, और SRM का मतलब, एम का मतलब क्या हो गया, मंगलयान, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, एक स्टूडेंट ने ट्रिक भी बताई थी, शाहरुख से भी आप शुरू के तीन वो याद कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो लास्ट के तीन है वो आप SRM यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे, अगला सवाल था IMF ने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 2019 की भारत के लिए कितनी रखी थी, तो कितनी थी 19 के लिए, 7.5 थी, तो आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि हमने पहले डिस्कस कर रहे थे, उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे और इसी तरीके से आप प्रिपरेशन जारी रखेंगे। इसके अलावा गाइज, कल परसों के दिन पे मैंने आपको परसों के दिन पे रात को एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपकी जो ALP है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो ALP का एग्जाम है वो 9 अगस्त को है और उसी तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट के 17-18 दिन बचे हैं और उसके अंदर जी तोड़ मेहनत करके ये जॉब आपको जरूर लगना है। और आपके जो अभी 9:40 से जो करंट अफेयर कर के अलावा जो बाकी क्लासेस स्टार्ट होगी, जो आपका क्रैश कोर्स, अब वो उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका 15 दिन 16 दिन 17 दिन में अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी कवरअप हो जाए। आने वाले दिनों के अंदर रेलवे के अलावा भी अपन जो बाकी एग्जाम्स है उनके लिए भी अपन स्टार्ट करेंगे स्पेशल क्लासेस जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले देखिए, एक सिंपल सा कोड है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए, स्टडी हार्ड, ठीक है, डू गुड एंड द गुड लाइफ विल फॉलो। सिंपल सी बात है कि स्टडी हार्ड, हार्ड स्टडी करना है, दूसरों का अच्छा करना है और उसके बाद में गुड लाइफ विल फॉलो। एक अच्छी लाइफ हमेशा आपका वेट कर रही होगी जब आप इस अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, दूसरों का भला कर रहे होते हैं। ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचता गाइज कि कुछ आपके साथ में फ्यूचर में गलत हो या फिर कोई सही नहीं हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये जो अपने एक्शंस होते हैं वही रिएक्शन बन के अपने पास में लौटते हैं। तो अगर आप स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दूसरों का अच्छा कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो थोड़ा सा डाउनफॉल और अप एंड डाउन वो तो लाइफ में चलता रहता है, उसका कोई कंसर्न नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो जरूर करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और दूसरों का अच्छा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, फर्स्ट पेज की बात करते हैं। ये संडे का है, ठीक है। संडे के दिन आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट ज्यादा होता है, न्यूज कम होती है अखबार के अंदर, तो हमेशा की तरह संडे में से तो कुछ ज्यादा न्यूज है भी नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि संडे को क्या था फर्स्ट पेज। यहां पे सबसे पहले तो मुंबई के अंदर आपको बताया कि काफी बारिश हो रही है, हाई अलर्ट का भी के बताया गया, किसी ने कॉल करके बोल दिया हाई अलर्ट को लेकर, ऐसी चीजें हो गई यहाँ पे। इसके अलावा एक राजस्थान में वापस से एक लिंचिंग का केस हो गया है, काउ स्मगलिंग के चक्कर में किसी एक पर्सन को यहाँ पे उनको मार दिया गया है, तो वापस से ये केस ऐसा देखने को मिला जो कि बड़ा हीनियस क्राइम है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मोदी जी ने बोला है कि बीजेपी अकेली ही यूनाइटेड अपोजिशन, मतलब अकेली ही अगले इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक इंडियन पर्सन है, आईएएस ऑफिसर है, मतलब अपने आईआईएम से पास आउट है, उनको ट्रंप के कैंपेन के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिला के ऐसी बेसिक सी न्यूज थी जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। पेज नंबर 9 पे चलते हैं, संडे के पेज की संडे की बात करें पेज नंबर 9 पे, तो यहाँ पे जरूर हमारे लिए एक न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि एक है नेशनल मौत वीक को लेकर। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आपने बटरफ्लाइज तो देखी होगी, तितलियां होती है, बड़े ही रंग बिरंगी होती है, कलरफुल होती है, बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी बटरफ्लाईज की प्रजाति होती है जो कि व्हाइट कलर की होती है, जिसपे कम ध्यान दिया जाता है। देख सकते हैं ना आप, ऐसे कई सारे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, जिन पे ध्यान कम जाता है, तो उनको एक्चुअली बोलते हैं मौत। तो एक इंटरनेशनल जो सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कि इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, इनको भी कंजर्व किया जाए। इसी को लेके हमने क्या बनाया है, नेशनल मौत वीक बनाया है 11 से 29 जुलाई के बीच में। तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि बड़ा अजीब सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर पेपर में वो क्वेश्चन, देखिए हमेशा होता क्या कि 10 क्वेश्चन अगर आपके जीके के या फिर करंट अफेयर के आएंगे ना, तो उसमें से 5 तो ऐसे होते हैं जो कि एवरेज होते हैं हमेशा। अगर आपने करंट अफेयर करी तो आप पढ़ लेंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से टफ वाले सेक्शन के होते हैं, आपने थोड़ी सी डिटेल में पढ़ा है, रेगुलर पढ़ाई करी है, तभी आप कर पाएंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनर, जैसे कि कोई यूपीएससी एसएससी या कोई भी बैंक का एग्जाम जो क्वेश्चन बना रहा है ना, वो इसलिए बनाता है कि बच्चा छोड़ दे इनको, तो 100 में से 100 है ना, वो लेके नहीं आ पाए, इतना टफ और अजीबोगरीब सवाल देते हैं 2-3, तो वो छोड़ने वाले होते हैं एक्चुअली के अंदर। और वो इसी प्रकार के सवाल होते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि समझ में नहीं आता कि भाई ये चीज कहां से उठ के आ गई, तो वो यही 3 सवाल होते हैं और ये उसी में से एक सवाल है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को भी अपन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए पेज नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 50% जो प्रोडक्ट है जीएसटी के अंदर, उनको स्लैश कर दिया गया है, आपने सुनी होगी ये न्यूज। तो आपको पता है कि अभी इलेक्शन तो आने वाले हैं, और इलेक्शन आते हैं तो काफी गर्माहट हो जाती है, चीजें सस्ती हो जाती है, काफी चीजें हैं बेहतर हो जाती है मतलब, और ऐसा अगर पूरे 5 साल रहे और हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो जाए। तो आपको पता है कि जीएसटी के अंदर काफी सारी चीजें थी जो 18% और 28% में थी, अब 50 प्रोडक्ट है, 50 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको सस्ता कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, समझ गए। मैं आपको बता भी देता हूँ एक्चुअली में कौन कौन से प्रोडक्ट है ये देखिए थोड़ा सा आपके सामने लिखा हुआ है, 12% से 5% पे कौन कौन से लेके आए गए हैं, जैसे कि फैब्रिक्स हैं, हैंडलूम है, फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा 18 से 12% पे आ गए हैं कई सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो कई सारी चीज़ें को टैक्स में नहीं है इंक्लूड किया, जैसे कि स्टोन मार्बल को, राखी को, सैनिटरी नैपकिन को, ठीक है, सॉल्ट लीव्स, जो साल लीव्स है, इनको तो मतलब टैक्स फ्री कर दिया इनको तो टोटली। इसके अलावा देखिए 28% से भी कई चीज़ों को कम कर दिया है। तो इस तरीके से काफ़ी इनिशिएटिव्स है जो कि यहाँ पे लिए गए हैं। चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं, अब अपने पेज नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, यानी कि जो अपना आज का इंपॉर्टेंट पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था जिसके बारे में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 3 नंबर पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है यहाँ पे उसके बारे में देख लेते हैं। यूपी पुलिस को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली, देखिए यूपी पुलिस क्या चाह रही है, डिजिटल आर्मी को सेटअप करना चाह रही है। क्या चाह रही है, डिजिटल आर्मी। कुल मिला के आपको पता है कि आजकल जो कैंपेनिंग हो गई है, मार्केटिंग हो गई है, या आपको पता है इलेक्शन भी जो हो रहे हैं ना, वो सब डिजिटल माध्यम पे डिपेंडेंट है। हमें नहीं पता कि कौन सा मिनिस्टर कैसा है, लेकिन हम उसकी राय बना लेते हैं, क्यों, बिकॉज क्योंकि डिजिटल मीडिया वो बात बोल रहा है।
ठीक है, तो अक्सर हमें ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होके थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट दिमाग लगाना चाहिए कि किसने कितने काम करे हैं ग्राउंड लेवल पे, फिर उसको वोट देना चाहिए। चलिए उसके बारे में कभी और बात करेंगे, किस बिहाफ पे वोट करना चाहिए वो अपन लोकसभा से पहले एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए कई सारे लिंचिंग के ऐसे वीडियो हो चुके हैं, फेक व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऐसे चलती रहती है चीजें आजकल। तो यूपी पुलिस सेटअप करने जा रही है डिजिटल आर्मी, ताकि क्या कर सके कि रेसिडेंट के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज भेज सके, रूमर्स को रोक सके। इन सब चीजों को लेकर 1500 पुलिस स्टेशन जो है उनके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, 250 मेंबर जोड़े जाएंगे, एक्स सर्विसमैन, टीचर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, एडवोकेट, जो कि अगर किससे भी रिलेटेड कोई चीज होती है तो वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। डिजिटल वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। तो ये यूपी के जो आपका वीडियो का पेपर होने वाला है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए गाइज जो यूपी के जो वीडियो का पेपर है, ठीक है, यूपी का जो आपकी जीके है उसके लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है दिन में 3 बजे, ठीक है। तो दिन में 3 बजे यूपी की स्पेशल जीके जरूर देखिएगा। इसके अलावा पेज नंबर 5 पे चले तो पेज नंबर 5 पे भी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, ये देखिए हर पेपर के अंदर इसको कवर किया गया है, वो है गवर्न स्टेट को लेकर, बेस्ट गवर्न स्टेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे आपके टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सभी के अंदर इसको कवर किया गया है। तो कुल मिला के तीसरे साल लगातार केरला ने टॉप किया है गवर्नेंस इंडेक्स को लेकर। जिस तरीके से प्रशासन सूचकांक का डाटा आया है तो आपको तीनों स्टेट के नाम पता होना चाहिए जो कि नंबर 1, 2, 3 के ऊपर है। नंबर 1 की बात करूं तो केरला पे है जो कि पिछले 3 साल से है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और फिर आता है तेलंगाना। ओके, तो 2018 का पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसको पूरा नाम पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, जो कि रिलीज किया गया है पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, बैंगलोर के द्वारा। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, ये सब बाद में आते हैं, केरला के टॉप 5 स्टेट्स हैं ये। उसके बाद में मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये लोवेस्ट है इसके अंदर, MP, झारखंड, बिहार, ये सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। अगर कम 2 करोड़ की कम पॉपुलेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद में गोवा और बाकी सब है, ठीक है। और बॉटम में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय है, जब 2 करोड़ की कम की पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 11 की बात करें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये एक आर्मी से न्यूज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। जान लेते हैं क्या है, आर्मी टू गेट आर्टिलरी गन्स फ्रॉम सेप्टेम्बर। तो ये देखिए आर्टिलरी गन्स है इस प्रकार की। अब हमने क्या 2 तरीके के आर्टिलरी गन्स है जो कि हमने लिए, दोनों आपको पता होना चाहिए आपके डिफेंस के पेपर और बाकी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने साउथ कोरिया से लिया जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, K9 वज्रा T है, ये उसका नाम है K9 वज्रा, समझ गए। और यूएसए वाली कौन सी है, M777 हॉविट्जर। तो सितंबर तक दोनों ही हम अपने की जो आर्मी है उसके अंदर इनको इंक्लूड कर लेंगे, हमारा जो आर्सेनल है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट इंडक्शन हो रहा है ये हैवी आर्टिलरी का, इससे पहले हमने 1980s में ली थी, मतलब आपको पता होगा आपने बोफोर्स स्कैंडल का नाम सुना होगा, बोफोर्स के अंदर हमने जब इस तरीके की ये खरीदी थी ना आर्टिलरी गन्स, उस टाइम पे स्कैंडल भी हो गया था, आपने बोफोर्स स्कैंडल का नाम भी सुना होगा जिसमें नटवर सिंह से लेके काफी बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आया था। तो 1980 के अंदर बोफोर्स खरीदी थी, उसके बाद में अब जाके ये डील साइन हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम गुजर गया है, उसके बाद में हमने अपग्रेड करी है हमारी ये जो आर्टिलरी गन्स है उसको। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए पेज नंबर 15 पे चलते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज है यहाँ पे। सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूज है लक्ष्य की, ठीक है, ठीक है। लक्ष्य विन एशियन जूनियर क्राउन। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि बैडमिंटन का एशियन जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके अंदर 3rd इंडियन बन चुके हैं लक्ष्य सेन, ओके, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में। और वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जो है उनका नाम है कुलावत थाईलैंड के, उनको हरा के उन्होंने टूर्नामेंट जीता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखिए इनको भी हर जो न्यूज़पेपर उसके अंदर कवर अप किया गया है, लक्ष्य सेन विन इंडियाज फर्स्ट मैन सिंगल्स गोल्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तो यहाँ पे बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो हुई है कहाँ पे हुई है, जकार्ता के अंदर हुई है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, दूसरा कहां पे ये चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, जकार्ता के अंदर हुई है।
तो ये दोनों में से आपको सवाल पूछा जा सकता है। ओके, इससे पहले अगर मैं बात करूं किसने टूर्नामेंट जीता है, तो उसके अलावा गौतम ठाकुर है और अपने पीवी सिंधु है, तो इन दोनों ने ये टाइटल जीता है और तीसरे बन चुके हैं लक्ष्य सेन। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। यहां पे बात करें तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक छोटी सी न्यूज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक छोटी सी न्यूज आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। एक बार देखिए, आपको पता है कि 2020 के अंदर कहां पे टोक्यो के अंदर ओलंपिक होने वाला है, अब उसका जो मैस्कट है ना वो डिसाइड कर लिया गया है, फ्यूचरिस्टिक 2020 ओलंपिक मैस्कट, ठीक है क्रिश्चियन। तो यहां पे देखिए पैरा ओलंपिक गेम्स का और ओलंपिक का दोनों का कर लिया गया है, तो जो नाम है ना, जो ओलंपिक के जो है, ओलंपिक के जो मैस्कट का नाम है वो क्या है, मायरा तोवा जो नाम है वो तो ओलंपिक वाले का है, और पैरा ओलंपिक की बात करें तो सोमेंटी है जो कि पैरा ओलंपिक के मैस्कट का नाम है। ओके, तो ये तो देखिए ब्लू वाला तो ओलंपिक का है और ये दूसरा वाला किसका है, पैरा ओलंपिक का है। दोनों ही एक ही सेम सिटी के अंदर सेम जगह पे होते हैं कंट्री में, और 2020 का टोक्यो में दोनों के मस्कट का नाम आपको ध्यान रखना है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो आपके पेपर हो रहे हैं उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए और चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्पोर्ट्स की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि है छेत्री और कमला गेट AIFF ऑनर्स। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपने जो अवार्ड्स है उनको अनाउंस किया है कि किस किस को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो आपको पता है कि सुनील छेत्री के तो रिकॉर्ड ही बोल रहे हैं अभी पिछले कुछ टाइम से, तो उनको तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना ही है। अगर कोई भी इंडियन फुटबॉल के अवार्ड का अगर आपके क्वेश्चन आता है ना, तो अब आंखें बंद करके सुनील छेत्री लगा दो, यानी कि अभी तो मतलब इनके जो रिकॉर्ड चल रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है, हर अवार्ड इन्हीं के पास में जा रहा है, इंडियन अवार्ड तो एटलीस्ट अनडिस्प्यूटेड विनर है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में इंडिया की तरफ से। ओके, इसके अलावा और भी कुछ एक अवार्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ठीक है, इमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर की तो पंथोई नाम से है, और अनिरुद्ध भी है, अनिरुद्ध थापा नाम से भी है। फीमेल के अंदर तो पंथोई और मेल के अंदर कौन है, अनिरुद्ध है। बेस्ट फीमेल वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो कमला देवी है, और प्लेयर ऑफ द ईयर मैन की बात करें तो सुनील छेत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बाकी न्यूज भी देख लेते हैं। दूरदर्शन की न्यूज है, 4 बिम्स्टेक समिट होने वाला है, कहां पे, काठमांडू में। तो 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक, आपको पता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 7 ग्रुप है देशों का जो कि बे ऑफ बंगाल से कहीं ना कहीं टच है या फिर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हमारे पास में, इसलिए हम उनको कनेक्टेड ही मानते हैं। श्रीलंका हो गया, म्यांमार और थाईलैंड। 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ और अभी करंट चेयरमैनशिप किसके पास में, नेपाल के पास में है। तो 4th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे, काठमांडू में होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी टू चेक व्हीकल थीफ। तो आपको पता है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी होती है, इसलिए गवर्नमेंट एक नई टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। मैं आपको शॉर्ट में अपनी भाषा के अंदर समझा देता हूं। अगर गाड़ी के ऊपर मैं छोटे छोटे से ऐसे डॉट लगा दूं, 1000 माइक्रो डॉट लगा दूं, ठीक है, जो कि नेविगेशन मुझे बताएंगे गाड़ी कहां पर है, तो कोई चोरी करने वाला क्या कर लेगा, एक डॉट को हटा लेगा, 2 को हटा लेगा, 3 को हटा लेगा, 100 को हटा लेगा, 500 को हटा लेगा, 1000 डॉट को नहीं हटा सकता वो, और उसकी जो नेविगेशन है, जगह है, वो मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है और ये जल्दी ही अपनी गाड़ियों में देखने को मिलने वाली है, ठीक है, यहां तक कि इंजन के ऊपर भी लगा दिया जाएगा, तो कोई कहां तक चोरी करेगा। तो ये माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पॉलीमेरिक और मेटालिक डिस्क है जो कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक पिन नंबर है, उसके द्वारा उसके ऊपर लगाई जाएगी। ओके, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रो मैग्नीफायर ग्लास से ही आप इसको देख पाएंगे, इससे गाड़ी की चोरी बच जाएगी। साथ में फेसबुक लॉन्च करने वाला है अथेना 2019 के अंदर, NDTV की न्यूज है। देखिए कई सारी ऐसी न्यूज होती है जो कि कई बार द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ऐसी जगह पे भी डिस्कस नहीं होती है। ओके, तो आपके लिए देखिए, जो अपने बैकएंड पे काम करती है ऐसी न्यूज के लिए, जो नया मैम है, उन्होंने आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट तैयार किया है। ऐसी न्यूज जो कि कहीं पे नहीं मिलती है वो सब भी आपको देखने को मिलती है। तो NDTV की न्यूज है, फेसबुक ने लॉन्च किया है अथेना नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। ओके, नया प्रोजेक्ट है उसका अथेना नाम का, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा रूरल और अंड जो रिजर्व एरियाज है वहां पे। आपको पता है अभी भी इंटरनेट जो है वो बहुत जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है। तो गूगल और साथ में फेसबुक दोनों ये चाह रहे हैं कि हम खुद है ना उन जगह के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड करें,
ताकि हमारी खुद की, सिंपल सी बात है, इंटरनेट बढ़ेगा तो आदमी गूगल ही काम में लेगा ना, इंटरनेट बढ़ेगा तो आदमी फेसबुक ही काम में लेगा, तो सिंपल सी बात है इंटरनेट बढ़ेगा तो इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए तो अपने जो स्टेशन है वहां पे गूगल लगा रहा है, जो लगा रहा है आपके क्या बोलते हैं इंटरनेट लगा रहा है फ्री में, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है इसके ऊपर। तो ये इसका एम क्या है, 2019 तक इसको लॉन्च करने का है एथेना को। तो ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। साथ में फ्लिपकार्ट और हॉटस्टार ने ज्वाइन किया है हैंड किसको, एड प्लेटफॉर्म को इंक्रीज करने को लेकर। लाइव मिंट की न्यूज है, आपसे पूछ सकते हैं फ्लिपकार्ट ने किसके साथ में हाथ मिला है ताकि वो अपने जो वीडियो एडवर्टाइजिंग चीजें हैं उसको आगे बढ़ा सके। तो हॉटस्टार, आपको पता है ना कि नेटफ्लिक्स का कॉपी पेस्ट मॉडल है हॉटस्टार। आपको पता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे मॉडल है, अमेजन का तो हो गया, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, वैसे ही आपके नेटफ्लिक्स का हो गया हॉटस्टार, ओके, उबर का हो गया ओला, ठीक है, इस तरीके से कई सारे कॉपी पेस्ट मॉडल्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो हॉटस्टार है, आपको पता है कि कई क्रिकेट मैचेस काफी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर हाथ मिलाया ताकि अपनी एडवर्टाइजिंग अच्छी कर सके। साथ में एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है जो कि दिल्ली के अंदर अनवील किया गया है, अनावरण जिसका किया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है, तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर्षवर्धन जो मिनिस्टर है, उन्होंने पहला एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्ट सिस्टम सफर नाम से, ठीक है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया है। तो होगा क्या, एक जायंट ट्रू कलर डिस्प्ले है जो कि यहाँ पे दिखाएगी आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 24/7 72 आवर्स के एडवांस में दिखाएगी, कितना पोल्यूशन होने वाला है, एयर की क्वालिटी क्या होने वाली है, ये सब चीजें जो यूवी इंडेक्स है ये ट्रैक करेगा, पीएम ट्रैक करेगा, मरकरी ब्लैक कार्बन कितना है, वो सब रियल चीजें ट्रैक करके आपको दिखाएगा, ओके। चलिए तो गाइज ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ में मैंने आपको कहा था कि मंडे से अपन अपने जो स्टार्टिंग जीके का कंटेंट है वो भी स्टार्ट करेंगे, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ओके। चलिए साथ में गाइज आपका पेपर आ चुका है, 9 तारीख को आपका ELP का पेपर है, तो जितना हो सके 18 दिन बचे तो दिन में एक या दो टेस्ट जरूर अप्लाई करें। अगर अभी तक आप टेस्ट सीरीज ने आपने नहीं लिए तो आप ifstudy.com पे या फिर ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और एक या दो टेस्ट लगाना चालू करें। बहुत कम दिन रह चुके हैं, उससे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, आपकी यूजेबिलिटी बढ़ेगी, आपको पता लगेगा किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। और जो आपकी लाइव क्लासेस आ रही हैं, जो क्रैश कोर्स है 9:40 से, उसको अटेंड जरूर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई स्ट्रैटेजी के साथ में आज से लॉन्च किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई इसकी राजधानी है, सीएम देवेंद्र फडणवीस है। फोक डांस की बात करें तो लवानी बड़ा फेमस है, ठीक है, पेपर में आता रहता है। और इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट है, आपको बताइए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 36, फॉर्मेशन 1960 के अंदर 1 मई को। आधिकारिक भाषा की बात करें तो मराठी हो गई और वरहादी, खानदेशी, कोंकणी ये लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल कौन सी, गिलहरी है। राज्य पक्षी की बात करें तो शाही कबूतर, फूल की जरूल और वृक्ष कौन सा है, आम है। नदियां गोदावरी, तापी, भीमा, नर्मदा, कोयना, पिकंग, पेंच, ये सारे के सारे यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इंपॉर्टेंट डैम्स बात करें तो जैकवाड़ी डैम है औरंगाबाद में, बिसलपुर डैम नियर कहाँ पे, दौली, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये राजस्थान का कंटेंट, ये जो है ना टोंक डिस्ट्रिक्ट और ये बिसलपुर, ये सब राजस्थान के अंदर है, ठीक है, ये वाला जो है वो राजस्थान है, इसको हटा देना है आपको। इसके अलावा कोयना तो है ही, कोयना डैम के ऊपर, ओके। और ये जायकवाड़ी डैम है जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि आपके औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर है, इसको बिसलपुर को हटा देना, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है, एक आधी चीज कभी कभार टाइपिंग से इधर उधर हो जाती है। लेक्स की बात करें तो लोनार लेक है, वीना लेक है, रंगखेला है, ओके, और अंबाजारी, विहार लेक, ये सब यहाँ पे काफ़ी फेमस है। औरंगाबाद में एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी, तो आपको बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर भी है। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो चांदोली है, और इसके अलावा, ठीक है, और नावा गांव है, संजय गांधी पेपर में बहुत आता है, ताडोबा आता है पेपर में, ताडोबा नेशनल पार्क, स्टेडियम्स DY पाटिल स्टेडियम है फुटबॉल का, विरधप स्टेडियम है, साथ में क्रिकेट का क्रिकेट स्टेडियम भी है, DY पाटिल में भी क्रिकेट मैच होते हैं, वानखेड़े है ही, साथ में आपके और भी है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ठीक है। फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पे गुद्दी पदवा पोला है, गणेश चतुर्थी, दबागा है, अलोरा है, अलोरा फेस्टिवल होता है, आपको बताना वो भी होता है महाराष्ट्र के अंदर। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की प्लेसेस की बात करें तो लोनावला, एलिफेंटा केव्स है, एलिफेंटा केव्स किसने बनाई है अभी तक पता नहीं है, लेकिन ठीक है, काफ़ी पुरानी केव्स है, काफ़ी पुरानी केव्स है। और इसके अलावा बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, रायखंड फोर्ट है, पनहाला है, ठीक है, राजा भाई क्लॉक है, अभी कुछ टाइम पहले ही
ठीक है, यूनेस्को की नई एक दो साइट्स और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, पुणे को ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट, यानी कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना इसके वजह से इसको ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट या फिर क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहते हैं। नासिक को कहते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, फाइनेंशियल कैपिटल, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स क्योंकि ऊंची बिल्डिंगें हैं, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, सोलापुर को टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कोल्हापुर को सिटी ऑफ रेसलर्स। ट्राइब्स की बात करें तो गोंड है, भील है, कटहारी है, कोली है, ये सारे ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गाइज ये थे आज के आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिस्कस किया। काफ़ी सारा न्यूज़ थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी हमने डिस्कस किया। साथ में जीके के लिए भी जो हो सकता है जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सभी हमने डिस्कस किया। आज अपन ने महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस किया है, कल किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करें पढ़ाई करने को लेकर, ताकि कुछ आगे लाइफ में अच्छा कर सके। चलिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर बताना है, किस देश के पास बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता है, करंट चैंपियनशिप, करंट चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप बिम्स्टेक के किसके पास में है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आपसे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सफर इज है, सफर क्या है यह आपको बताना है, ठीक है, सड़क मानचित्र है, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, डिजिटल शिक्षा प्रणाली है, करियर उन्मुख प्रणाली है, चार ऑप्शन आपके सामने है। उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू बैडमिंटन गेम, तो कौन से बैडमिंटन खेल से संबंधित नहीं है, लक्ष्य सेन, पी वी सिंधु, श्रीजेश या फिर कदम्बे श्रीकांत, ठीक है, चार में से कौन है जो कि बैडमिंटन से बिलोंग नहीं करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ई कॉमर्स कंपनी ज्वाइंट हैंड विथ हॉटस्टार, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने हॉटस्टार के साथ जुड़ी है, ठीक है, ये आपको बताना है, कौन सी कंपनी जो है वो हॉटस्टार के साथ में जुड़ी है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मांत्रा, जबोंग। कौन से राज्य ने ई गवर्नेंस, जो कौन से राज्य ने गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, इसको यहां से आप मिटा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेशनल बहुत वीक है वो कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले न्यूज यही थी। अगला सवाल है आपका, डिजिटल सेटअप सेनाओं के लिए कौन सा राज्य ने इसकी शुरुआत करी है, विच स्टेट टू सेटअप डिजिटल आर्मीज, तो डिजिटल सेना कौन से राज्य ने बनाई है यह आपको बताना है, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार। तीसरी बार सर्वोत्तम शासित राज्यों की सूची जो रिलीज करी गई है उसमें कौन से राज्य नंबर वन पे है, गवर्न स्टेट, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है तो वापस अपन करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगला सवाल है कि KG-Vajra T ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेलेंट आर्टिलरी गन्स आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो कौन से देश से हमने KG-Vajra T जो सेल्फ प्रोपेलेंट आर्टिलरी गन्स है वो हमने ली है, ठीक है। अगला सवाल है कि डैश वॉन गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप, तो बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस प्लेयर ने जीता है यह आपको बताना है, लक्ष्य, अमित, सुमित, प्रभात, ठीक है, इन चार में से किसने जीता है यह आपको बताना है। तो गाइज ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आपके बहुत मदद करेंगे। इससे बार आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आज से अगर आपने एलपी का फॉर्म भरा है तो लग जाइए धार पे, 17-18 दिन बचे उस तरीके से पढ़ाई करें जो आपने आज तक अपने जीवन में पढ़ाई नहीं करी है। 15-17 दिन अगर जी तोड़ मेहनत कर लोगे, 12-15-16 घंटे पढ़ लोगे तो मर नहीं जाओगे, पढ़ाई करते करते दुनिया में कोई नहीं मरा है, आपके साथ भी कुछ नहीं होगा लेकिन आपका एक बेहतर भविष्य जरूर बन जाएगा। इसके अलावा आपके वीडियो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है, SSC बैंकिंग, राजस्थान के जो पेपर है, NDC, सबकी प्रिपरेशन चल रही है। गाइज आपके 2-4-6 महीने में बहुत वैकेंसीज है, जी तोड़ मेहनत करिए और उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।